हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फ़ा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज जो चैप्टर होने जा रहा है वो 15वां चैप्टर होगा, जो कि हमारा पर्यावरण से संबंधित है। अगर आपने इससे पहले 14 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं, उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन सब डाला गया है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो हमारा पर्यावरण से संबंधित होगा, इनके सारे सवालों को देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत नुकसान का मुख्य कारण है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ओजोन परत नुकसान का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये रेफ्रिजरेटर है ना, सेविंग क्रीम और सेविंग क्रीम हो गया, उसके बाद एसी हो गया इत्यादि से जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो इसका ओजोन परत नुकसान का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप कचरा निपटान के समस्याओं को कम करने के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। आप जो है कचरा का निपटान की समस्या को दूर करने के लिए आप निम्नलिखित में क्या योगदान कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का थैली का प्रयोग करें, प्लास्टिक का थैली का प्रयोग करेंगे आप कचरा निपटान के लिए, जैविक पदार्थ का उपयोग करेंगे या अजैविक पदार्थ का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैविक पदार्थ का मतलब होता है, जैविक पदार्थ उसे कहते हैं जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा उन वैसे पदार्थ को जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर सके उसे ही जैविक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि फलों के छिलके, घास, लकड़ी, सब्जी, सूती के कपड़े, कागज़ इत्यादि, ये सारे जो है जैविक पदार्थ के उदाहरण है। इन सब को जो है सूक्ष्म जीव द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित किया जा सकता है। जबकि अजैविक पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक का थैली, जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं कर सकता है। तो आप जो है कचरा का निपटान के लिए क्या योगदान देंगे, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पदार्थ का उपयोग करेंगे ताकि जो है ये जैविक पदार्थ नष्ट हो सके, जीवाणु द्वारा इसे समाप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव निम्नकारणीय पदार्थ का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे निम्नलिखित दो बार हो गया, निम्न में कौन जैव पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है जैव पदार्थ का उदाहरण नहीं है। तो घास जो है इसे जो है सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित किया जा सकता है, जबकि प्लास्टिक नहीं किया जा सकता, लकड़ी को भी किया जा सकता है, और फल के छिलके जो है इसको भी है सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित कर सकते हैं। तो जो जैव पदार्थ होता है वो होता है कि जैव पदार्थ उसे बोलते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित किया जा सके तथा उसको नष्ट कर सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। यहाँ पे नहीं है पूछा है, जैव पदार्थ का उदाहरण ये तीनों है जबकि प्लास्टिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आम जो है गेहूं पर निर्भर करता है, गलत बात है। हाथी जो है गाय पर, ये भी गलत है। बकरी जो है मछली खाता है, ये भी गलत है। जबकि मानव जो है बकरी पर निर्भर करता है और बकरी जो है घास खाता है। तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा इसका, घास, बकरी तथा मानव। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यावरण मित्र कहलाता है। तो अगर आप पर्यावरण मित्र हुए तो आप जो है आपका व्यवहार क्या होगा। बाजार जाते समय कपड़ों का थैला ले जाएंगे, वाहनों से अधिक साइकिल का महत्व देंगे, कार्य समाप्त होने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
यहाँ पे देखिए, पर्यावरण मित्र का जो व्यवहार होगा, वो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाएंगे ताकि जो है कपड़े का थैला बार बार प्रयोग कर सकें, और जो है इसे सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित किया जा सके। कार्य समाप्त होने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना है, ये तो जानते ही हैं। और वाहन से अधिक साइकिल को महत्व इसीलिए देंगे क्योंकि वाहन जो है उसमें तो एक ख़त्म होता है जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल डीजल इत्यादि, और जो है साइकिल जो है पेशीय ऊर्जा से चलता है, मानव का कोई भी एनर्जी नहीं लगता है जो है पेशीय ऊर्जा से, और इसमें वायु प्रदूषण नहीं होता है साइकिल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किससे उत्पन्न होता है, शेविंग क्रीम, अग्निशामक या रेफ्रिजरेटर। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक तथा शेविंग क्रीम सबसे उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे द्वारा उत्पन्न अजैव निम्नकार्नीय कचरे की समस्या है। तो हम लोग जो अजैव निम्नकार्नीय कचरा जो उत्पन्न करते हैं, इसका क्या समस्याएं हैं? अजैव अजैव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। तो ये अजैव पदार्थ जो कचरे जो समस्या उत्पन्न करता है अजैव पदार्थ द्वारा, क्या क्या है? जल तथा भूमि प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, ये विघटित नहीं होते, इनका सारे सही हो जाएगा। ये वायु भी प्रदूषण करते हैं, प्लास्टिक वगैरह जलाने पर जो है धुआं जो है वायु प्रदूषण करता है, जल तथा भूमि तो आप देखे ही होंगे कितना प्रदूषित है, और ये विघटित भी नहीं कर पाता सूक्ष्म जीव द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ओजोन किसके विघटित के फलस्वरूप बनता है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ओजोन जो है ऑक्सीजन के विघटित के फलस्वरूप बनता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा। क्या होता है, ऑक्सीजन पर जब ये सूर्य का पैराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रे पड़ता है, तो ये ओ प्लस दो ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है परमाणु में, और यही जो ऑक्सीजन जो है फिर से ऑक्सीजन के साथ ओ टू के साथ ये ओ टू के साथ रिएक्शन करके ओ थ्री का बनाता है। तो ओजोन किसके विघटित के फलस्वरूप बना? तो ये ऑक्सीजन के विघटित के फलस्वरूप ओजोन बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सीखे तो ज़रूर एकदम लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही है, हर हालत में सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो है कोई सुझाव, कोई कमेंट, कोई कुछ बताना चाहते हैं है ना, वीडियो के प्रति कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।